हे गाइस, ये है एसस की तरफ से आने वाला टब सीरीज का गेमिंग लैपटॉप जो कि है FX504, जिसे पिछले कुछ दिनों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपने कंप्लीट एक्सपीरियंस को आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस रिव्यू वीडियो में आपको हर एक चीज़ के विषय में पता चल पाएगा कि इस लैपटॉप में आपको क्या कुछ बेहतर मिलता है और क्या कुछ आपको इसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लैपटॉप मेरे पास में है, ये है इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर के साथ, जो कि 8th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसकी अगर प्राइसिंग के विषय में बात करूं तो ये आपको 75,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जिस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और ये लैपटॉप का एक और वेरियंट आता है जो कि आपको इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइसिंग अप्रॉक्स आपको 62,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। दोनों ही लैपटॉप के लिंक मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से जाके आप उसे चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इस लैपटॉप के डिस्प्ले के विषय में। गाइस, यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी कमाल का डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जिसके व्यूइंग एंगल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसे आप किसी भी साइड से देखो तो ये बिल्कुल से कमाल का एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। यहाँ पे जो आपको क्वालिटी मिल रही है स्क्रीन की, वो काफ़ी ए ग्रेड की देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले में इसे थम्स अप देने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले मैं बेजल्स की। तो यहाँ पे गाइस, मुझे जो सबसे चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब लगा है वो इसका बेजल्स लगा है। यहाँ पे जो इसके बेजल्स है ना स्क्रीन के, वो काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसे कॉम्प्रेस्ड किया जाना चाहिए था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर हो सकता था इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, जिस प्राइस रेंज में ये लैपटॉप आ रहा है। अब बात करते हैं इसके कीबोर्ड के विषय में। तो कीबोर्ड काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बैकलाइट वाला कीबोर्ड मिलता है, जो कि सिंगल कलर के साथ आता है, रेड कलर के साथ में, इसे आप नाइट के टाइम में काफ़ी कमाल का इस्तेमाल आप कर सकते हो इससे। क्योंकि अगर आप नाइट में अगर कंप्लीटली आपके रूम में अगर अंधेरा है तो वहाँ पर आप इसे आसानी से यूज़ कर पाओगे और टाइपिंग करने में भी आपको जो स्मूथनेस मिल रही है वो काफ़ी कमाल की मिल रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर कीबोर्ड के लिए मैं इसे थम्सअप देने वाला हूँ। चलिए अब नज़र डालते हैं इसके बैटरी बैकअप की तरफ में। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे डे टू डे यूजेस करते हैं, मतलब नॉर्मली कुछ यूजेस करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो बैटरी लाइफ है विदाउट चार्जिंग, आप यहाँ पे क्या है, अगर फुल आपका एक बार बैटरी चार्ज हो जाता है तो वहाँ से आप 3 से 4 घंटे अप्रॉक्स यूज़ कर सकते हो, अगर आपका नॉर्मल यूजेस है तो। बट अब अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप इस लैपटॉप को गेमिंग के दौरान इस्तेमाल करते हो और उस टाइम में जो आपको बैटरी की बैकअप मिलती हो ना, वो अप्रॉक्स आपको 2 घंटे की ही मिलती है, इससे ज़्यादा की आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप कंटिन्यू गेमिंग करोगे तो फिर ये 2 घंटे में आपका जो बैटरी है वो कम्प्लीटली 100% से 0% तक पहुँच जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें किस टाइप्स की गेम आप खेल सकते हो और कितने यहाँ पे FPS पे खेल सकते हो। तो गाइस, मेरे पास में ये वैसे तो ज़्यादातर कलेक्शन नहीं था गेम का, बट फिर भी मैंने 2-4 गेम इसमें रन किए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाई ग्राफिक्स के भी गेम को रन किया है और लो ग्राफिक्स वाले गेम को भी रन किया है, तो ऐसे में मुझे कोई भी यहाँ पे लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को नहीं मिले हैं। जैसा कि मैंने इसमें अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट तक दोनों ही गेम को अप्रॉक्स रन किया है, और इन 15 से 20 मिनट के एक्सपीरियंस में मुझे कोई भी लैग या फिर कोई भी यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को नहीं मिले हैं, और क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की देखने को मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पे अगर मैं हाई ग्राफिक्स वाले गेम की विषय में बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक्समैन जैसी गेम्स को यहाँ पे रन किया है, जो कि बिल्कुल से हाई ग्राफिक्स वाला गेम है और बहुत ही स्मूथली तरीके से वो इसमें परफॉर्म हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे GTA जैसे गेम्स और PUBG जैसे गेम्स भी आप इसमें आसानी से प्ले कर सकते हो। और अच्छी बात तो ये है कि यूट्यूबर्स के लिए ये लैपटॉप काफ़ी कमाल का है, क्योंकि यूट्यूबर्स क्या है कि इस लैपटॉप की मदद से आप अपने वीडियोस को भी काफ़ी अच्छी तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप एक गेमिंग चैनल अपने यूट्यूब पे चला रहे हो तो PUBG जैसे गेम को आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी बहुत ही आसानी तरीके से इस लैपटॉप की मदद से कर सकते हो, जैसा कि मैंने इन कुछ दिनों के यूजेस में एक्सपीरियंस किया है और आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके लिए ये लैपटॉप बिल्कुल से बेस्ट प्राइस और बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, तो आप इसे बिल्कुल से एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि आपके लिए ये सूटेबल है या फिर नहीं है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। जैसे कि इसमें मेंशन कर रखा है इसका जो स्पीकर से वो काफ़ी कमाल का है, तो जैसा कि मैं आपको आने वाले इस फुटेज में आपको देखने को मिलेगा इस लैपटॉप में आपको किस तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है ऑडियोज़ का। तो चलिए आने वाले नेक्स्ट पॉइंट में आपको इस लैपटॉप की जो स्क्रीन, यहाँ पे आपको जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो आपको सुनने को मिलने वाली है। सो गाइस, चलिए अब इसका एक ऑडियो टेस्ट देख लेते हैं। तो अभी जो भी आपको नेक्स्ट यहाँ पे साउंड सुनने को मिलेगा वो बिल्कुल से इसका ऑडियो होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं। सो ये अभी आप जो सुन पा रहे हो ये बिल्कुल से
लो साउंड में है, और अभी हम इसे थोड़ा सा साउंड को अप करते हैं और फिर देखते हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब हम इसकी थोड़ी वॉल्यूम को यहाँ से अप कर लेते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि इसके जो स्पीकर से वो कितने लाउड और कितने स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देते हैं, जो कि काफी कमाल का है। तो इसके स्पीकर्स के लिए एक लाइक तो यहाँ पे बनता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये लैपटॉप जो है ये आपको गेमिंग के दौरान क्या कुछ हीटअप होता है या फिर नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रोक्स मैंने इसमें कम से कम एक सिंगल गेम को 20 मिनट के अप्रोक्स रन किया है, और ऐसे ऐसे कंटिन्यू मैंने 3 से 4 गेम्स इसमें अलग अलग गेम्स को परफॉर्म किया है। तो इन कम्प्लीट 1 से 2 घंटे के एक्सपीरियंस में मुझे ये जो लैपटॉप है ये बिल्कुल से भी हीटअप नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंटी डस्ट कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है इस लैपटॉप में, जो आपको टाइम टू टाइम जैसे कि इसकी जो परफॉर्मेंस जो थोड़ी सी हीटअप होने लगती है तो उसे आसानी से अपने तरीके से कूल कर देता है। तो ये लैपटॉप आपको बिल्कुल से हीटअप जैसे प्रॉब्लम्स नहीं ला करके देने वाले हैं, जैसा कि मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ इस लैपटॉप की, तो यहाँ पे जो आपको मिलता है सबसे पहले इसमें SSD ड्राइव, जिसमें आपको विंडोज 10 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीलोडेड मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बूट अप एंड शट डाउन की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। अप्रॉक्स आपको मैक्सिमम इसमें 10 सेकेंड का ही समय लगता है इस लैपटॉप को बूट होने में, और साथ ही साथ शट डाउन होने में भी। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका जो कंप्लीट एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो काफ़ी कमाल का रहा है। तो अगर आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हो अपने गेमिंग के यूजर्स के लिए, या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए इसे परचेस करना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही बेस्ट डील होने वाला है आपके लिए। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, तो इजीली आप जाकर के इसे बाय कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे ही रोजाना वीडियोज लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोज के साथ में। जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।